अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज लैब 6 जो हम कर रहे हैं उसमें हमारा फिफ्थ टास्क है 4-बिट पैरेलल बाइनरी एडिट डिज़ाइन करना हमने डिजिटल टूल बॉक्स को यूज़ करते हुए। तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच ओपन करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि हम 4-बिट पैरेलल बाइनरी एडिट कैसे डिज़ाइन करेंगे। डिजिटल टूल बॉक्स में हमारे पास ये फुल एडर है, ये सिंगल बिट बाइनरी एडर है। तो हमने जब 4-बिट को डील करना है तो हमें 4 एडर्स लेने होंगे। मैं हाफ एडर की बजाय ये चारों फुल एडर्स ले रही हूँ, वरना तो हम फर्स्ट एडर हाफ एडर भी ले सकते हैं क्योंकि उसमें हमारे पास कैरी इन नहीं होता। हमें 4 फुल बिट एडर्स चाहिए होंगे। यहाँ पे हमारे पास ये ए बी इनपुट्स हैं, ये कैरी आउट है, ये कैरी इन है और ये हमारे पास सम आउट हो जाएगा। अब हमें इनपुट्स के लिए यहाँ पे जो चीज़ें चाहिए होंगी, हमें एक ग्राउंड चाहिए और एक हमें वीसीसी चाहिए। इसके अलावा हमें स्विचेस चाहिए। अच्छा, इस स्विच को हम फ्लिप कर लेंगे क्योंकि ये हमारी इनपुट्स हमें वीसीसी या ग्राउंड से हमने इन टर्मिनल्स को कनेक्ट करना और ये हमारा आउटपुट टर्मिनल होगा जो 1 या 0 लॉजिक देगा इसे। ये स्विचेस हमें 8 चाहिए। अपर टर्मिनल्स को हम वीसीसी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। लोअर टर्मिनल हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब ये हमारे पास अगर फर्स्ट बिट लें तो ये हमारे पास यहाँ पे ए के साथ कनेक्ट हो जाएगा। देन ये हमारे पास सेकंड बिट आ जाएगी। हम इसको नेम भी दे सकते हैं, इसको हम A1 नेम दे देते हैं। सॉरी,
हम इसे ए ही नेम दे देते हैं। देन ये हमारे पास बी हो जाएगा। ये हमारे पास ए की सेकंड बिट है, इसे हम सी नेम दे देते हैं या फिर इसे एस दे देते हैं, और इसे बी के साथ एन। देन डी के साथ, सॉरी, एस के साथ डी था तो इसे हम एम कर देते हैं, और ये हमारे पास एफ आ जाएगा। और यहाँ बी के साथ हम वी कर देते हैं। नाउ इसे हम हमने ये हमारी सेकंड बिट आ जाती है, और ये हमारी सेकंड बिट सेकंड इनपुट की, ये थर्ड बिट फर्स्ट इनपुट की, और ये हमारी थर्ड बिट सेकंड इनपुट की। अब ये हमारी फोर्थ बिट और फाइनल बिट है फर्स्ट इनपुट की और ये सेकंड इनपुट की। तो इस तरह से हमने अपनी इनपुट्स को कनेक्ट कर लिया है। अगर हम ये हमारे पास फर्स्ट बिट है, तो फर्स्ट बिट के लिए हमारा कैरी इन, अगर हम यहाँ पे फुल एडर यूज़ करें, अगर हम हाफ एडर यूज़ करते तो कैरी इन होना ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपने फुल एडर यूज़ किया है तो कैरी इन है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कैरी इन को ग्राउंड कर देंगे, क्योंकि इनिशियली हमारे पास कैरी इन नहीं होता। नाउ हमारा जो नेक्स्ट फुल एडर है उसको हमने कैरी इन देना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो सकता है इस एडिशन में एक कैरी आउट आए, तो ये जो कैरी आउट होगा ये नेक्स्ट फुल एडर के कैरी इन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मतलब जब हम एडिशन कर रहे हैं सिंपल, जब हमारे पास कैरी आउट नहीं है तब तो कोई भी मसला नहीं होगा, लेकिन जब कैरी आउट आता है तो वो फर्स्ट फुल एडर से या हाफ एडर से जो कैरी आउट आता है उसे हमने नेक्स्ट की कैरी इन बनाना होगा, क्योंकि वो नेक्स्ट बिट में एड अप होता है। इसी तरह से सेकंड फुल एडर का कैरी आउट थर्ड फुल एडर की कैरी इन के साथ कनेक्ट होगा, और थर्ड का फोर्थ की कैरी इन के साथ कनेक्ट होगा। अब हमारी सारी कैरी इन की कनेक्शंस भी हो गए हैं। अब हमने अपनी आउटपुट एनालाइज करनी है कि हमारे पास आउटपुट कैसे आ रही है या क्या आ रही है, तो उसके लिए हमें रेड प्रोब की ज़रूरत होगी। रेड प्रोब को यूज़ करते हुए हम अपनी आउटपुट को एनालाइज करेंगे। तो हम यहाँ से एक रेड प्रोब लेते हैं, हम फोर बिट्स को डील कर रहे हैं, तो हमें फोर रेड प्रोब्स चाहिए, और एक रेड प्रोब हमें चाहिए जो हमारी फाइनल कैरी आउट को एनालाइज करेगी। वो हमने अपने सम आउट के लिए ये फोर रेड प्रोब्स रख लिया, और ये कैरी आउट के लिए हम कैरी आउट को इस रेड प्रोब के साथ कनेक्ट कर देंगे। पहले सम आउट को कर लेते हैं। हमारा जो सम आउट है वो मैंने इस तरह से कनेक्ट किया है कि ये हमारी हमारा फर्स्ट फुल एडर था, तो फर्स्ट बिट इसके साथ कनेक्ट होनी चाहिए, ताकि जब हम अपना सीक्वेंस देखेंगे कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है, तो वो हमारे पास एक करेक्ट सीक्वेंस होगा, हमें समझ आएगी कि हम एनालाइज सही से कर सकेंगे। फर्स्ट बिट हमें हमेशा यहाँ पे होती है, मतलब हमारा राइट टू लेफ्ट एक
इस सीक्वेंस बन रहा होता है, तो वही सीक्वेंस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इसे कनेक्ट किया है। ये हमारा कैरी आउट भी कनेक्ट हो गया है। अब हमने अपनी आउटपुट एनालाइज़ करनी है, तो आउटपुट एनालाइज़ करने के लिए हम सिंपल इन वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। फ़िलहाल हमने पहले हम सिमुलेशन ऑन कर देते हैं। फ़िलहाल हमने स्विचेस को ऑफ़ रखा हुआ है, तो हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आ रही है। अभी अगर मैं ए को चेंज करती हूँ, ए 1 हुआ है, तो मतलब मैं एडिशन कर रही हूँ। फर्स्ट जो हमारी टर्म है 4 बिट, वो है 0001, और सेकंड टर्म में 4 जीरोज़ हैं, तो हमारे पास ओवरऑल 1 आता है आउटपुट, और कैरी आउट 0 होता है। आउटपुट एनालाइज करने के लिए मैंने एक इधर डिजिटल कैलकुलेटर भी ओपन किया है। इसमें हम देख लेते हैं, हम जो एडिशन कर रहे हैं वो 001, और सेकेंड इनपुट हमारी ज़ीरोज़ हैं। तो अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं, तो मेरे पास जस्ट जो फर्स्ट बिट होगी वो 1 होगी, बाकी तीनों 0s होंगे, और कैरी की भी कोई टर्म नहीं आएगी। और यही चीज़ मेरे पास यहाँ पे आउटपुट भी आ रही है कि फर्स्ट टर्म मेरे पास 1 है, बाकी सब 0s हैं, और कैरी आउट भी 0 है। अब अगर मैं बी को भी चेंज करती हूँ, तो इसका मतलब है मैं दोनों टर्म्स में 1 ऐड कर रही हूँ, मतलब 0001 0001 ऐड हो रहा है। तो इन दोनों को हम ऐड अप करेंगे, तो हमारे पास 2 आना चाहिए। 2 के लिए बाइनरी टर्म है 10, तो हमारे पास 0010 आना चाहिए। अगर हम देखें तो यही हमारे पास 0010 आ रहा है। अगर मैं एस को भी 1 कर देती हूँ, तो अब मेरे पास जो इनपुट टर्म बन रही है, एस भी 1 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी 1 है, तो 0011 यानी 3 बन जाता है, और 3 में हम 1 ऐड कर रहे हैं। जब 3 में हम 1 ऐड करेंगे, तो हमारे पास 4 आंसर आना चाहिए, और 4 का बाइनरी कोड है 0100। तो 0100 के लिए हमारे पास 0100 आ रहा है, और हमारे पास कोई कैरी आउट नहीं आ रहा। अब कैरी आउट को एनालाइज करने के लिए मैं एफ को 1 कर देती हूँ, और इसके साथ साथ V को भी 1 कर देती हूँ। तो अब मेरे पास इनपुट टर्म्स, मैंने F को भी 1 कर दिया और V को भी 1 कर दिया, तो इसका मतलब है मैं 1011 और 1001 ऐड कर रही हूँ। तो मेरे पास आउटपुट आएगी 0100। ये मेरे पास आउटपुट है सम की, तो सम आउट 0100 यानी 4 आ रहा है। हम पहले एनालाइज कर लेते हैं, 0100 यानी 4 ही है हमारे पास। और अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक फिफ्थ बिट है, ये कैरी आउट की बिट है, तो कैरी आउट 1 आ रहा है, और हमारे पास यहाँ पे कैरी आउट जो हमने रेड प्रोब यूज़ की थी, ये भी ग्लो कर रही है। इसका मतलब है हमारे पास कैरी भी आ रहा है। तो इस तरह से हम अपनी 4 बिट पैरेलल एडर की आउटपुट एनालाइज कर सकते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने ये सर्किट कैसे बनाना है इसका, और फिर आउटपुट को कैसे एनालाइज करना है। मैंने कैरी आउट के साथ भी डिस्कस कर लिया और कैरी आउट के बग़ैर भी। अगर फिर भी आपको कोई इशू है, तो हम अपने ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर लेंगे। बाकी आपने ये सर्किट इम्प्लीमेंट करना है और अपनी असाइनमेंट में
सर्किट, और इसके लिए डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए अपने आउटपुट भी पेस्ट करनी है या ट्रूथ टेबल आपने बनाना होगा। और इस अगर आप लोग वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी क्लास में, ताकि आप लोग अपनी आउटपुट्स को या अपने इस सर्किट को एनालाइज करके आउटपुट्स को भी वेरीफाई कर लें।